सेमिनार पे हमारे साथ में डायनामिक प्रेसिडेंट जो कि वाराणसी नॉर्थ होल्ड कर रहा है सतीश जैन जी एंड सेक्रेटरी सुरेश खंडेलवाल जी, हमारे साथ बैठी फर्स्ट लेडी कंचन जी। स्पेशली सर आज के इस सेमिनार में हमारे जो 5 नए क्लब बने हैं उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और मेंबर स्पेशली स्वागत है। जो भी हमारे किसी क्लब से भी नए मेंबर्स यहाँ ज्वाइन किए हैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत है आज के आधारशिला में। रोटरी, अगर हम रोटरी की डेफिनेशन लें तो रोटरी इज अ ग्रुप ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल लीडर फ्रॉम वर्ल्ड वाइड हु वॉलंटियर ऑल द न्यू रोटेरियंस। यू आर द फॉर्चुनेट वंस। कहते हैं कि अतीत हो देव भव, तो जब तक आप मेंबर नहीं बने थे आप अतीत ही देव भव थे, लेकिन जब आप मेंबर बन गए तो आप दोस्त बन गए। आप अतिथि से आपका दायित्व अब दोस्त की तरफ चला गया है। सो ऑल यू न्यू मेंबर्स, वेलकम टू दिस फैंटास्टिक वर्ल्ड ऑफ रोटरी क्लब के सदस्यों का, सतीश जैन साहब का मेरा बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और आपको मालूम है कि मैं देश के जगह कई हिस्सों पे मैं गया हूँ और जाता रहता हूँ अलग अलग हिस्सों में। जितेंद्र जी के साथ मैं वाराणसी भी आया हूँ और वहाँ मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमारा एक भाषण या कहें हमारी टॉक का एक आयोजन हुआ था आज से कुछ साल पहले। जी हाँ, मैं आर्मी में था। आगे की गुंजन है मेरा दिल सबसे संभाले रखता है तेरे लिए। मस्त करिए मेरे दिल में है जैसे तुझको बना। खुदा की कसम लाजवाब हो सखी रे, तेरे बिना क्या जीना। कैसे बताऊं किस तरह से
पिछड़े वर्ग के लिए रिक्शे वाले ठेले वाले लेबर इन लोगों को अपनी सेवाएं देना और अपनी पूरी जिंदगी इसमें लगा देना। आईएमएस बीएचयू से रिटायर हुए बंगीय समाज के जनरल सेक्रेटरी और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए रोटेरियन देवाशीष दास जी आज किसी वजह से नहीं आ पाए हैं। हम लोग उनको एक अवार्ड दे रहे हैं, सर्विस टू द मैनकाइंड अवार्ड। उनके एब्सेंस में उनके लिए तालियां। अगले इसी कैटेगरी में अगला अवार्ड है सर्विस एवं सेल्फ अवार्ड। इस अवार्ड के लिए मैं आमंत्रित करूंगा रोटेरियन अनिल नारायण किंजवाड़ेकर जी। प्लीज आमंत्रित। देने के बाद पहले मैं बताना चाहता हूं अनिल किंजवाड़ेकर जी पिछले 30 साल से भी ज्यादा समय से सिविल इंजीनियर का कार्य कर रहे हैं, आर्किटेक्ट भी हैं। और अनिल किंजवाड़ेकर जी काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के ऑनरेरी कंसल्टेंट हैं, यूपी गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर और धरोहर संरक्षण समिति के नॉमिनेटेड मेंबर हैं, वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। और ये अवार्ड इनको जो दिया जा रहा है उसकी मैं मेन वजह बताऊं, हम लोग 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपया देंगे, उम्मीद रखते हैं कि इसका प्रचार प्रसार हो, हमारा पेपर में नाम छपे, हमारी हर जगह प्रशंसा हो। मैं विगत 20 वर्षों से आपको व्यक्तिगत रूप से जान रहा हूं और देख रहा हूं, आपके यहां कोई पहुंच जाए खाली हाथ नहीं जाता। न जाने कितनी गरीब लोगों की आप शादी करवाते हैं, वर्ष पर्यंत कराते हैं, किसी को पता नहीं चलता, एक हाथ से देते हैं दूसरे हाथ में नहीं पता चलता। न जाने कितने बच्चे जो मेघावी बच्चे हैं जिनके पास फीस नहीं है, आईटी में या कहीं एडमिशन हो गया, धीरे से उनको पढ़ाने का कार्य करना हो, अनिल जी सबसे आगे हैं। कोई भी चैरिटी जो रियल चैरिटी हो उसमें स्वयं आगे हैं और समाज को भी प्रेरित करते हैं कि उसमें आगे आए। आपका हमेशा कहना है, मानना है, जैसा कि जे आर डी टाटा जी भी ने कहा था
आप कमाते हैं उससे आपकी पहचान नहीं है, आप उसको कैसे खर्च करते हैं उससे आपकी पहचान है। पैसा सबके पास होता है, लेकिन खर्च कितने लोग करते हैं और किस काम के लिए करते हैं, इसी से आप जाने जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान नौगढ़ में एक संस्था है, जहाँ पे कि समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग, जिनको कि कोई सुविधा नहीं है, जिनके पास में पैसा नहीं है, वो 60 बच्चों को गोद लेके बचपन से लेके जब तक वो कुछ करने लायक न हो जाए वहाँ पालते हैं। उसमें कई बच्चों के आप धर्म पता है, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे इस हॉल में बैठे हुए कई सदस्य उस संस्था के धर्म पिता भी हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, दिनेश गर्ग जी बैठे हैं, आप भी, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहता है, एक बच्चों के धर्म पिता आप भी हैं, थैंक यू वेरी मच। इस टाइप के काम करने के लिए सनातन धर्म, संस्कृति व राष्ट्र की रक्षा करने के लिए किसी भी काम में अनिल जी का अद्वितीय सहयोग रहता है और उसके लिए हमेशा आगे रहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जरूर जानता हूँ, अनेकों धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं गिना सकता, हम लोग की डायरेक्टरी में काफी कुछ लिखा भी है। और आपके पिताजी श्री नारायण किंजवाड़ेकर जी रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल के फाउंडर मेंबर थे और शायद सेकंड प्रेसिडेंट भी थे। बनारस के हर रोटरी क्लब के सदस्यों ने आपको बराबर कहा कि रोटरी के मेंबर हो जाइए, लेकिन नहीं मेंबर हुए। ये हम लोग का अत्यंत सौभाग्य कि इस साल मैंने आपसे आग्रह किया और आप न सिर्फ अनिल जी मेंबर हुए, अनिल जी ने अपनी धर्म पत्नी डॉक्टर अनिल किंजवाड़ेकर जी को भी क्लब का मेंबर बनाया। रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ धन्य है ऐसे मेंबर को पाके। आज आपको सर्विस एवं सेल्स अवार्ड देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये अवार्ड अनिल जी को नहीं दिया जा रहा है, बेसिकली जो ये काम कर रहे हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए, और इससे हम लोग भी कुछ सीखें, हम लोग भी कुछ जानें, उस दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए इनको अवार्ड दिया जा रहा है। थैंक यू अनिल जी।